हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। क्या टेडलाफिल लेने के एक वीक के अंदर व्याग्रा ले सकते हैं, तो इसका जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने टेडलाफिल टैबलेट की अनबॉक्सिंग की है और इसका डिटेल रिव्यू किया है, तो अगर आप भी टेडलाफिल टैबलेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेडलाफिल टैबलेट का क्या काम होता है। टेडलाफिल टैबलेट PDE5 इनहिबिटर फैमिली की मेडिसिन है जिसका काम एंजाइम को ब्लॉक करना होता है ताकि आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन मिल सके। अगर आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है, लिंग में तनाव या कठोरता नहीं आता है, या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में टेडलाफिल टैबलेट दी जाती है ताकि आप हार्ड इरेक्शन के साथ साथ सेक्स का पूरा मजा ले सकें। तो अब आते हैं सवाल पर, टेडलाफिल लेने के एक वीक के अंदर क्या व्याग्रा ले सकते हैं। टेडलाफिल टैबलेट जहां आपको पूरे एक वीक तक लॉन्ग लास्ट रखती है, वहीं व्याग्रा का असर आपकी बॉडी में 24 घंटे से ज़्यादा रह सकता है। ऐसा सवाल तभी मन में आता है जब आप टेडलाफिल लिए हो और उसका असर आपकी बॉडी में कम होने लगा हो, बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना mg का डोज लिया है। अगर आपने 2.5 mg या 5 mg का डोज लिया है तो इसका असर आपकी बॉडी में एक दिन से लेकर 3 दिन तक रह सकता है, और अगर आपने 10 mg या 20 mg लिया है तो इसका असर आपकी बॉडी में पूरे एक वीक तक रह सकता है। तो अगर आपने 10 mg का टैबलेट लिया है एक वीक के लिए, तो अगर इसका असर कम होने लगता है, तो अगर आप एक वीक का असर और चाहते हैं तो आप एक वीक के बाद दोबारा सेम डोज ले सकते हैं टेडलाफिल का। बट अगर आप 1 से 2 दिन का असर चाहते हैं तो आप टेडलाफिल का लोअर डोज ले सकते हैं, लेकिन अगर व्याग्रा लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों टैबलेट अलग अलग फॉर्मुलेशन पर बनी है, तो आप सेम ही टैबलेट ले तो बेस्ट रहेगा, किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ टेडलाफिल का ही लोअर डोज लेना बेस्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।